मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी सुबह सुबह बन रहा है हमारा ब्रेकफास्ट, और स्नैक्स के लिए ना हम ये सीड्स, मखाना और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ये हम हमेशा सुबह भूनते थे, लेकिन आज हमने क्या किया कि एक वीक का पूरा एक साथ भून करके रख दिया है। तो ये ऑफिस ले जाते हैं हस्बैंड थोड़ा स्नैक्स में, चाय वगैरह के साथ लेने के लिए, और घर पर भी मैं जब शाम को चाय पीती हूँ या फिर कभी कुछ ऐसे भूख लगती है, खाने का मन होता है, तो इन सारी चीज़ों को साथ में मिला के मैं खा लेती हूँ, सीड्स और ड्राई फ्रूट्स। और साथ में बन रहा है ओट्स और बेसन का चीला खूब सारी वेजेस के साथ में, वो हमारा आज ब्रेकफास्ट होगा। और लंच में जो जाने वाला है वो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने कई बार बोला है कि आप अब फ़िश नहीं दिखाते हैं। एक्चुअली ये जो लाइट है ना, ये भी ख़राब हो गई थी। जब से हम लोग यहाँ आए हैं तब से हमने बहुत कम ही लाइट जलाई। बीच बीच में लाइट एकदम से ना वो बंद होती थी, कभी चलने लगती थी, तो डर लगता था कि कहीं कुछ उससे दिक्कत ना हो जाए, तो इसीलिए हम लाइट जलाते ही नहीं थे, और इसीलिए मैं दिखा भी नहीं पाती थी आप लोगों को। बट अब फ़िश के दर्शन आपको रेगुलर होने वाले हैं। खा लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी टाइम हो रहा है 9:30, और अभी अभी जस्ट हस्बैंड ऑफिस के लिए निकले हैं। सिद्धार्थ का ब्रेकफास्ट मैंने अभी आपको दिखाया। ये एक्चुअली मैंने लंच बनाया था हस्बैंड के लिए, लेकिन इसको यही खाना था। वैसे ऑप्शन था सैंडविच जो बनाई थी ना मैंने, उसका कुछ कुछ सामान रखा हुआ था, ब्रेड भी रखी हुई थी, तो मैंने कहा सैंडविच बना देती हूँ। कह रहा है नहीं, मुझे यही खाना है। और मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट में बनाया था, वो तो लंच में दिया है, जीरा राइस और पनीर की सब्ज़ी। और ब्रेकफास्ट के लिए खूब सारी सब्जियां डाल करके ओट्स और बेसन का चीला ये बन रहा है। वो अपना खा के जा चुके हैं। ये मेरा चीला बन रहा है, साथ में रहेगा टी। तो ये है मेरा बिल्कुल हेल्दी हेल्दी सा ब्रेकफास्ट। थोड़ा सा पनीर का सब्ज़ी मैंने ले लिया, देख के ना खाने का मन कर रहा था, थोड़ा सा चटनी, चाय और ये ओट्स, बेसन और इसमें ढेर सारी वेजीज हैं, चुकंदर वगैरह सब डाला है मैंने, उसका ये मैंने चीला बनाया। और चटनी तो एकदम बहुत ज़्यादा टेस्टी, चटनी इसको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। फिर लेके आया हूँ। मम्मा क्या कर रहे हो? क्लीनिंग बेटा। करो करो। बेसिन की तरफ का जो शेल्फ है ना, उधर का एरिया मैंने आपको शायद ही कभी दिखाया होगा। ये जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ भी लकड़ी के दरवाजे वगैरह भी नहीं है, तो बहुत जल्दी जल्दी ये गंदा भी होता है और देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे जो सारे डब्बे रखे हैं, बहुत सारी डस्ट इन पर आ गई थी, तो सारा हटा करके मैंने नीचे भी साफ़ किया और डब्बे भी सारे क्लीन किए। बैठो नहीं, और इतने सारा सामान रखा हुआ था दिखा ही नहीं, सारा क्लीन करके फिर पहुँचती है, थोड़ा सा सूख जाए फिर सामान रखते हैं यहाँ पे। जाती रहूँगी, सारा सामान बाहर निकाल के मैंने ऐसे रखा है। इसके अलावा काफ़ी सारी जो पेंट्री का सामान था वो भी मैंने देखा, काफ़ी दिन हो गए थे, कई बार होता है भूल जाते हो और नई नई चीज़ें मंगवाते रहते हो, तो ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। कुछ चीज़ें डबल डबल भी आ गई, क्योंकि अभी जस्ट मैंने 4-5 दिन पहले ग्रोसरी मंगाई थी, तो उसमें से भी काफ़ी सामान ऐसा रखा हुआ था जो मुझे डब्बों में डाल के अरेंज करके रखना था, तो वो सारा कुछ किया मैंने। और यहाँ पे किया मैंने चेंज। यहाँ पे आप हमेशा OTG देखते होंगे, जिसकी ज़रूरत मुझे बहुत कम लगती थी, और OTG प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा जो एरिया है वो घेर लेता था, तो OTG मैंने यहाँ से हटा दिया है। इसकी जगह पर मैंने ये शेल्फ एक रख दिया है, रैक, और मिक्सी भी बाहर ही रख लिया है मैंने, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट किचन में मिक्सी की ज़रूरत होती है। पहले मैं उसको अंदर कैबिनेट में रखती थी, और जो OTG है उसको मैंने नीचे इस तरीके से रख दिया अच्छे से। OTG की ज़रूरत ना 1.5-2 महीने, 2.5 महीने पे कभी एक बार लगती है, तो उसके लिए उसको प्लेटफॉर्म पे रखना मुझे ठीक नहीं लगा, तो यहाँ मैंने अच्छे से क्लीनिंग करके इसको रख दिया है। ऊपर एक दो चीज़ें और रखी हैं, जैसे बेसन है रेड वाले डब्बे में, उसके बगल में बिस्किट और टिशू पेपर है। और ये जो आप डब्बे देख रहे हैं ना, ये इनके अंदर दो तरह के चावल जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, साथ में आटे का डब्बा है, और जो जूसर है वो रखा है, और सबसे पीछे एक बस मैंने तेल का डब्बा, जो मस्टर्ड ऑयल हम यूज़ करते हैं उसका स्टॉक जो है वो मैंने पीछे रख दिया है। तो ये अच्छा लुक दे रहा है, अब अच्छा लग रहा है कम से कम। बहुत सारे यहाँ पे डब्बे डब्बे हो गए थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, और मेरा प्लेटफॉर्म भी जो है वो खाली हो गया है अच्छे से। कुछ एक्स्ट्रा ग्रॉसरी जिसको अभी मुझे मतलब नीड नहीं है, डब्बों में नहीं भरना है अभी, तो उनको मैंने इस तरीके से पैकेट सारे भर के रख दिए हैं। और जितनी भी ग्रॉसरी थी जो मुझे फिल करना था वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो बस सारा जो ग्रॉसरी का काम है वो भी सिमट गया है, और पेंट्री भी मैंने अच्छे से साफ़ करके सारी चीज़ें रख दी हैं उसमें। बस अब ये कुछ ड्राई फ्रूट्स और मसाले बचे हैं जिनको मुझे रखना है, और बस किचन जो है मेरा बस एकदम सेट हो जाएगा।
हस्बैंड गए हैं ऑफिस और सुबह उठ के ना अभी तक लगातार काम करते करते मैं जाती हूँ थक तो, और उसके बाद भाई मैं थोड़ी देर का रेस्ट लेती हूँ, 15-20 मिनट का आराम से बैठ करके। तो इसीलिए अभी मैं रेस्ट ले रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सारे सजेशंस दिए थे वाली मेरी वीडियो पे जिसमें मैंने अपना ब्लड रिपोर्ट वगैरह बताया ना आप लोगों को, तो काफ़ी सारे सजेशंस वगैरह उसमें आए थे। और मैं टी की बात कर रही थी तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि खाली मैं शुगर की बात कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि खाली शुगर कंज्यूम करने से ही आपका जो शुगर है वो नहीं बढ़ता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें, आपका लाइफस्टाइल होता है, कार्ब्स होते हैं कि किस टाइप के कार्ब्स आप खा रहे हो, आपको अपनी डेली लाइफ में मैदा और जैसे रोटी हो गया, राइस हो गया, इनको थोड़ा सा स्किप करके और ज्वार बाजरा ये सब ऐड करना चाहिए, गुड कार्ब्स ऐड करने चाहिए बेसिकली अपनी डाइट में। क्योंकि मुझे PCOD है तो मैंने इस पर मतलब ये टॉपिक जो है ना फूड से रिलेटेड, मेरे पास पूरी डायरी रखी हुई है जिसमें मैंने अपना पूरा चार्ट बनाया हुआ था, क्या मुझे खाना है, क्या मुझे नहीं खाना है और क्या कितना खाना है। क्योंकि हर खाना खाने का, हर फ्रूट का एक GI वैल्यू होता है, और जितना GI वैल्यू हाई होता है उतना ज़्यादा अगर आपको PCOD है, थायराइड है या फिर शुगर है, डायबिटीज़ है, तो वो फटाफट आपके मतलब शुगर को हाई करता है। तो जैसे कि मैंगो हो गया, जो थोड़े से मीठे फल होते हैं, नाशपाती जो होता है ना, नाशपाती बहुत अच्छा होता है, वो आपके शुगर को एकदम से नहीं बढ़ाता है। तो बहुत सारा रिसर्च मैंने बहुत पहले किया था क्योंकि मुझे कंसीव करना था, जब मुझे डिटेक्ट हुआ ना PCOD उस समय मेरा वेट था 67। मेरी शादी को हुए थे 2.5 ईयर जब मुझे PCOD डिटेक्ट हुआ था, मेरा वेट 67 के करीब था उस टाइम। और फिर मैंने, मुझे PCOD के बारे में कुछ पता ही नहीं था, आज से मैं 12 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो उस समय PCOD के बारे में मुझे रत्ती भर भी नॉलेज नहीं थी। और मुझे लगता है आज जितना सब लोग जानते हैं, क्योंकि आज 10 में से 7 लोगों को PCOD होता है, उस समय जब मैं रिसर्च करती थी इस बारे में तब 10 में से 2 या 3 लोगों को सिर्फ PCOD होता था, आजकल तो बहुत ज़्यादा गर्ल्स को हो रहा है PCOD। तो वो मेरे लिए उस समय एकदम रेयर था कि ये मुझे क्या हो गया, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक में आ गई थी। और फिर इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी, लाइक कि कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ें थी ना, मिसकैरेज वगैरह के चांसेस होते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि उस टाइम तक मुझे बेबी तो था नहीं। फिर हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद मैंने पूरा रिसर्च किया था इस टॉपिक पे, पूरी डायरी भरी रखी हुई है मेरे पास में जिसमें मैंने अपना फूड चार्ट बनाया था। एंड विद इन 7-8 मंथ्स में मैंने अपना वेट 67 kg से 50 kg किया था, 17 किलो कम किया था, वो मेरे लिए एक अचीवमेंट था उस टाइम, और 17 किलो कम किया था। और उसके बाद सिद्धार्थ को मैंने कंसीव किया था विदाउट एनी मेडिकेशन, इवन मतलब हमें बिल्कुल भी वेट भी नहीं करना पड़ा कंसीव करने के लिए। मतलब सेम मंथ जब हमने सिद को विश किया तो सिद से मैं कंसीव हो गई थी, तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट था, मैंने बहुत मेहनत करी थी अपने ऊपर। और मतलब खाना तो मैंने इतना कंट्रोल कर रखा था, एक एक छोटी छोटी चीज़ का GI वैल्यू देख करके और ऐसे करके मैं खाया पिया करती थी, तो वो टाइम एक अलग ही था, तो मुझे पता है उस चीज़ का। फिर धीरे धीरे होते होते ना, मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने कहा था कई बार प्रेगनेंसी के बाद आपका PCOD के जो सिम्टम होते हैं एकदम ख़त्म हो जाते हैं, और मेरा ऐसा ही हुआ। मतलब सिद्धार्थ के होने के बाद मैंने कभी भी ऐसा फील नहीं किया कि मुझे PCOD है, टिल मतलब क्या कहूँगी, जब तक सिद्धार्थ 6-7 साल का नहीं हो गया उसके बाद से मेरा वेट गेन हुआ है। मुझे 30 वेस्ट वाली जीन्स आया करती थी, अब मुझे 32 आती है, वो भी टाइटी आती है 32। तो अभी मेरा पिछले 4-5 सालों में थोड़ा सा वेट गेन हुआ है और डेफिनेटली लाइफस्टाइल मेरा चेंज हुआ है। ये सब कहानी मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज काफ़ी सारे लोगों के कमेंट मैंने पढ़े, तो वो सजेस्ट कर रहे थे मुझे कि खाली शुगर से नहीं होता है, आप इस पे रिसर्च करो, कार्ब्स खाने से होता है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे खाने पीने की चीज़ों के बारे में बता रहे थे। तो मैंने उस वीडियो में सिर्फ चाय और शुगर की बात की है, ऐसे हमने अपना पर्सनल लाइफ में सारा प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिया है। और एक गुड न्यूज़ ये है कि मैंने तो अपना शुगर जो पोस्ट है
और जो मतलब प्री था, जो फास्टिंग था और उसके बाद पोस्ट ईटिंग जो होता है वो देखा था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी अपनी सारी रिपोर्ट लेके, अभी परसों गई थी मैं, तो डॉक्टर ने सारा चेक किया। उसमें एक 3 महीने की रिपोर्ट होती है, उस पर मेरा ध्यान नहीं गया कि 3 महीने की एक रिपोर्ट होती है कि पास्ट 3 मंथ में जितना भी आपका शुगर लेवल रहा है ना वो उसमें दिखाता है। तो जब वो देखा तो वो 5 पॉइंट कुछ था, वो बहुत ही मतलब एकदम लिमिट में है, एकदम नॉर्मल में है, मतलब जैसा होना चाहिए। वो प्री डायबिटिक स्टेज पे भी नहीं है, और जो मेरा फास्टिंग एंड पोस्ट ईटिंग का भी जो आया है ना वो भी प्री डायबिटिक में भी नहीं है अभी। लेकिन हाँ, जैसे कि नॉर्मल रेंज जो होनी चाहिए थी 70 से 100 तक आपका नॉर्मल आता है, और मेरा जो है 102 आया था। तो डॉक्टर ने बोला कि आपने पानी वगैरह पिया था, तो मैंने कहा हाँ पानी तो मैंने पी लिया था। तो उन्होंने यही बताया कि पानी भी नहीं पीना चाहिए, जबकि जहाँ से हमने ब्लड टेस्ट करवाया उन्होंने कहा था कि पानी वगैरह आप पी सकते हो। तो उन्होंने कहा कि यही रीज़न है कि ज़्यादा आया है, क्योंकि आपके जो 3 महीने की जो डायबिटिक का जो टेस्ट की रिपोर्ट है वो एकदम परफेक्ट है, नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गेट पर कोई आया है, मैं खोल के आती हूँ फिर बात करती हूँ। पूनम आ गई एक्चुअली। हाँ, तो ये सुन के मेरे को थोड़ा रिलीफ आया कि जो लास्ट 3 मंथ का जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। बट फिर भी जिनको PCOD होता है ना उनको थोड़ा सा ध्यान देके चलना ही पड़ता है। तो वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा, हम लोग जैसे बाहर का खाना खाना या बहुत ज़्यादा एवरीडे बेसिस पे पिज़्ज़ा बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स ये सब हमारे घर में हम उतना नहीं करते हैं, होममेड खाना ही खाते हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम हेल्दी होता है। उसको और हेल्दी बनाना है, और हेल्दी मैं कैसे कर रही हूँ, क्या क्या चेंजेस मैं कर रही हूँ। जैसे कि मॉर्निंग में हम लोग को पराठा सब्ज़ी खाने का आदत है, आप लोगों को सभी को पता है कि जो बनता है घर में सब्ज़ी बनता है उसके साथ में हमेशा पराठा नहीं खाते हैं, रोटी सब्ज़ी खा ली या कभी कभी पराठा खा लिया, उस चीज़ को हमने टोटली रिप्लेस कर दिया मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में या तो मैं ओट्स बनाती हूँ, ओट्स का जो वेजिटेबल्स डाल करके उपमा बनता है वो बना लेती हूँ, नहीं तो ओट्स का चीला बना लेती हूँ, बेसन का चीला बना लेती हूँ, रागी का चीला बना लेती हूँ। तो जो वो गेहूँ है सुबह का एक, वो कट डाउन करके उसको मैंने एकदम जो अच्छी ग्रेन है जिसमें गुड कार्ब्स ज़्यादा होते हैं उसको मैंने ऐड ऑन कर दिया है। राइस को कंज्यूम करना हमने काफ़ी कम कर दिया है। तो कई सारे जो चीज़ें हैं मैंने कम की हैं। डिनर हमने अर्ली करना स्टार्ट कर दिया है, वही डिनर आप 9 बजे करो तो वो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है, और वही डिनर अगर आप 7 o'clock कर लो ना तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, उसके न्यूट्रिएंट आपको अच्छे से मिलते हैं, और सुबह भी आपका पेट, आपका दिमाग, आपका पूरा शरीर हल्का रहता है। तो वो सब चेंजेस लास्ट 1 वीक से हम कर चुके हैं। फ्रेश फ्रूट्स खाना, सीड्स खाना, भिगोए हुए बादाम वगैरह उनको रेगुलर कर दिया। पहले भी हम लोग खाते थे बट बीच में कभी स्किप हो जाता था, ये सब चीज़ें होती रहती थी। तो ये सारे चेंजेस काफ़ी सारे हमने किए हैं और आगे भी मैं करती रहूँगी, और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि वो तो मेरा काम है। और उसके साथ बहुत सारी मैं सोची हूँ कि हेल्दी रेसिपीज़ मैं शेयर करूँगी। पहले मैं, पता है, जब सिद्धार्थ से पहले मैं मतलब अपना वेट रिड्यूस कर रही थी उस टाइम मैं अपने लिए जब इडली भी बनाती थी ना तो वो भी मैं लो GI राइस से बनाती थी। सफोला का ना 1 किलो का पैकेट आता था एक लो GI राइस का, अब आता है या नहीं वो मुझे नहीं पता, और वो एक पैकेट 1 किलो का मैं पूरा 1 मंथ 1.5 मंथ तक चलाती थी। कभी मेरा अगर खाने का मन हो तो मैं इतना सा चावल बना लेती थी उसी का, और इडली भी मैं उसी लो GI राइस से ही बनाती थी। तो छोटे छोटे चेंजेस करके ना आपको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, छोटे छोटे चेंजेस करके ना आप बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। फिलहाल मैं किचन में जाती हूँ, पूनम काम कर रही है, मुझे उसे काम बताना है सारा। अभी बज गया है 5:15, चाय वगैरह देखो हमारी सब हो गई, 4:30 बजे ही पी ली, और मैं एकदम तैयार हूँ मेकअप वकअप में क्योंकि एक वीडियो थी शूट करने की जो मैंने की है, अभी पूरी नहीं हुई है।
थक गई थी तो मैं जाके थोड़ी देर लेट गई, चाय वगैरह पिया और थोड़ा सा रेस्ट किया। अब थोड़ा सा कुछ कुछ और शूट करना है, वो मैं शूट कर लूँगी, वो वीडियो आगे आपको मिलेगी। फिलहाल अभी मैं सोची हूँ खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा अर्ली डिनर करना स्टार्ट कर चुके हैं पिछले 1 वीक से। हस्बैंड तो आते हैं 8 बजे, तो उनको तो उसी समय खाना मिलता है, 8:15 तक वो आते ही ना हाथ मुँह धो के खा लेते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 7:00 या 7:30 से पहले अपना खाना खा लूँ, तो बस उसी की मैं फटाफट अभी तैयारी करूँगी। आज का मैंने ना थोड़ा ब्राउन करके मेकअप किया था, काफ़ी टाइम लगा के किया, मन कर रहा था आज अच्छे से। मतलब कई बार आप मेकअप करो तो आप बस मजबूरी में तैयार होते हो, बस जल्दी जल्दी पोतापाती कर लिया, और किसी दिन आपका मन करता है कि हर चीज़ आप टाइम दे के अच्छे से करो, तो आज का मेकअप इतना परफेक्ट हुआ था ना, बहुत अच्छा मेकअप हुआ था। अभी तो खैर मुझे 3-4 घंटे हो चुके हैं, तो थोड़ा सा मेल्ट जैसा हो गया। जैसा मैंने बताया कि आज मैंने अपनी ग्रॉसरी वगैरह सारी अच्छे से अरेंज की थी, तो फिर मेरा दिमाग गया कि अरे मसाले वगैरह अच्छे से अरेंज नहीं किए हैं, तो क्योंकि कुछ चीज़ें आप उठाओ फिर कहीं की कहीं इधर उधर हो जाती हैं ना, तो फिर मैंने सोचा चलो ये भी क्यों बचे, तो मसाले वाला जो मेरा सेक्शन है इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ करके और फिर से रीअरेंज कर दिया है। एक दिन सारे डब्बे, पूरे किचन के डब्बे मुझे एक साथ धोने हैं। ऐसे तो मैं जब कोई भी डब्बा खाली होता है ना तो उसको वॉश करके उसके अंदर अगला मसाला या अगली कोई ग्रॉसरी जाती है, लेकिन वो एक अलग चीज़ होती है जब आप पूरा एकदम सारे डब्बे निकालो और उनको क्लीन कर दो ना, तो वो एक अलग तरीके की ही क्लीनिंग आपके किचन में दिखती है, तो वो एक दिन मुझे करनी है। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने सोचा इसका घी कर देते हैं। जब तक घी उधर धीरे धीरे धीमी आंच पे पकता रहेगा, मैं इधर खाने की भी तैयारी कर लूँगी। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया वाली, बहुत ही टेस्टी वाली, बहुत ही अलग टेस्ट वाली यहाँ पे कच्चे केले की सब्ज़ी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत टेस्टी बनती है ये, टिफ़िन रेसिपी तो एकदम परफेक्ट है। बेशक मैं इसको डिनर में बना रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट लंच बॉक्स रेसिपी है स्कूल के लिए भी और ऑफिस के लिए भी, क्योंकि सूखी सूखी सी ये सब्ज़ी बनती है और खाने में बहुत अच्छी लगती है, रोटी के साथ भी और ख़ासकर पराठे के साथ में तो इसका स्वाद ही अलग आता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने छील लिया है इसको, इसका छिलका थोड़ा सा मोटा साइड पर होता है, तो अच्छी तरीके से इसको छील लीजिए। इसको इस तरीके से ही आपको कट करना है, गोल गोल कट नहीं करना है, बीच में से एक चीरा लगा के और इस तरीके के छोटे छोटे टुकड़े कट कर लीजिए। इसमें मैंने 2 चम्मच और अगर ऐसे मेज़रमेंट की बात करेंगे तो 1 to 1.5 tablespoon मैंने इसके अंदर बेसन डाला है और हल्का सा हल्दी डाला है, बाकी इसमें नमक या किसी भी तरीके का जिंजर गार्लिक पेस्ट आपको कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ हल्दी और बेसन डाल करके 2-3 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गरम की है, कढ़ाई आपको ऐसी लेनी है जिसके अंदर चिपके नहीं है, तो अगर ऐसी कोई कढ़ाई नहीं है तो इसको नॉनस्टिक वगैरह में आप कर लीजिएगा, बिकॉज अगर ये बेसन एक बार ना कढ़ाई से चिपकने लगता है तो फिर आपके जो केले हैं ना वो भुनेंगे नहीं, वो बस सारे चिपके चिपके जले जले हो जाएंगे, वो जो भुनने वाला जो उसमें फैक्टर होता है वो नहीं आएगा। तो ये केलों को हमें 4 से 5 मिनट तक भूनना है मीडियम फ्लेम पे, और नमक देखिए मैंने अभी लास्ट में डाला है, जब 80% मैं इसको अच्छे से भून चुकी थी तब मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक अगर आप पहले ऐड कर दोगे ना तो फिर वो पानी छोड़ने लगते हैं केले, और फिर जो ये बेसन आपने ऐड किया है ना ये अच्छी तरीके से कोट होके पकता नहीं है, पानी पानी सा हो जाता है, तो इसीलिए नमक आप एंड में डालें, नमक डालें ज़रूर, उससे इसके अंदर तक नमक जो है वो भर जाता है और सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो हमने उसको फ्राई करके निकाल लिया है और अब चलिए हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए एकदम महीन कटे हुए हमको प्याज चाहिए, तो एकदम महीन महीन करके मैंने हाथ से काट लिया, आप चाहें तो चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक हमें पेस्ट चाहिए, तो इसके अंदर मैंने लिया है छोटा सा जिंजर का टुकड़ा, 3 मैंने पॉट्स लिए हैं गार्लिक के, और एक यहाँ पर बड़े साइज़ का ये टमाटर है ये लिया है, इसको आप पीस लीजिए तीनों चीज़ों को मिला करके और इसका एक पेस्ट बना के तैयार कर लीजिए। सेम कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है, इसके अंदर जीरा और हींग का मैं छौंका देने वाली हूँ, साथ ही में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सूखी लाल मिर्च, उसके बाद ऐड कर देंगे ये महीन कटे हुए प्याज और इसको हम अच्छी तरीके से जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते बिल्कुल तब तक भून लेंगे। प्याज यहाँ पे देखिए ब्राउन हो चुके हैं, तो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया था जिंजर गार्लिक और टमाटर का, वो इसके अंदर हमने नमक डाल करके इसको रिड्यूस कर लिया है। जब प्याज और टमाटर का ये पेस्ट थोड़ा पक गया था हमने इसके अंदर मसाले ऐड कर दिए हैं। मसाले में मैंने डाला है हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर और सौंफ का पाउडर, तो बस यही जो सिंपल मसाले होते हैं ना मसाला डब्बा में वही आपको ऐड करने हैं। बहुत ज़्यादा आपको मसाले, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, ये सब इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल जो 4 मसाले हमने यूज़ किए हैं वही डालने हैं। उसके बाद यहाँ पे जब मसाला हमारा पक जाएगा, ऑयल सेपरेट होने लगेगा, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये फ्राई किए हुए
कच्चे केले और अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को आप मिला दीजिए। इसके अंदर पानी आप डाल दीजिए और अब नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ केले में हमने अलग से नमक डाला था। ग्रेवी बनाते समय थोड़ा सा नमक हमने उस टाइम भी डाला था, तो अब इसमें जितना नमक चाहिए उतना नमक है। थोड़ा सा पानी डाल करके ना हम इसको ढक करके पका लेंगे, क्योंकि केले जो है ना वो 80-85% पके होते हैं जब हम उनको फ्राई करते हैं, तो 2 मिनट की इसमें स्टीम लगनी और ज़रूरी है ताकि वो 100% अच्छे से कुक हो जाए। लास्ट में हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी, और चाहे तो इसको ढक के 1 मिनट और पका लीजिए या फिर इस तरीके से 1 मिनट इसको भून लीजिए। और बस ये हमारी कच्चे केले की सब्ज़ी बनके तैयार है, जो बहुत ही परफेक्ट लगती है अगर आप इसे खाएं पूरी के साथ में या फिर पराठे के साथ में। मैंने तो इसको अपने लिए ओट्स की रोटी बनाई थी उसके साथ खा लिया था 7 बजे, लेकिन हस्बैंड जब आए थे तो उन्होंने इसके साथ पराठा ही बनवाया था, तो सिद्धार्थ के लिए और हस्बैंड के लिए पराठा मैंने बनाया था। बताओ क्या लाया सिद्धार्थ? आपको कुछ दिखाता हूँ। पहले नर मछलियों को पकड़ने के लिए क्या बना रही है? खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी। ये फिर व्हाइट मछली ले आए। व्हाइट है हैं? ये व्हाइट ही तो है। कौन से व्हाइट है भाई? ये तो व्हाइट है, ये तो सही है। तो फ़िश टैंक जब भरा पूरा रहता है ना, ढेर सारी उसमें छोटी बड़ी मछलियाँ रहती हैं और रंग बिरंगी रहती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो हमारी जो फ़िश हैं अपनी, जो काफ़ी दिनों से हमारे पास, वो 3 हमारे पास बची थी, इनफैक्ट 4 थी, और एक हमारी चिकलेट काफ़ी बड़ी हो गई थी। जो चिकलेट आप इसमें देखते हैं ना उससे 20 गुना बड़ी थी वो, बहुत बड़ी हो गई थी वो। मतलब कोई डिजीज़ हो गया उसको या कुछ है, मछलियाँ थोड़े से उससे ना इधर उधर होने से बहुत सेंसिटिव होती हैं, फटाफट मर जाती हैं, तो वो मर गई। उसके बाद फिर हमने सोचा कि अब 3 मछली सिर्फ बची हैं तो हमें ये एक्वेरियम फिर से भर देना चाहिए। तो ये सारी मछलियाँ उस दिन हमने लाई थी, हमने टोटल 11 मछलियाँ कर दी थी, लेकिन आज फिर से लेकर आए हैं 4। 2 तो एल्गी ईटर हैं, वो टैंक में होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी गंदगी होती है वो खाती रहती हैं, तो एक तो फ़िल्टर सफाई करता ही है, दूसरा वो एल्गी ईटर एल्गी वगैरह जो चिपक जाती है गंदगी ना वो सारी वो खा जाती हैं, तो आपका टैंक जो है वो साफ़ रहता है लंबे टाइम तक। और इसके अलावा 2 और लेके आए, तो इन टोटल छोटी बड़ी मिला के 15 फ़िश हैं हमारे पास अभी। तो कैसा लग रहा है आपको फ़िश टैंक, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आजकल हमारा तो मतलब दिन रात सुबह हम इसको ज़रूर देखते हैं आकर के। बहुत अच्छा लगता है जब ढेर सारी फ़िश होती हैं टैंक में। और यहाँ पे देखिए ये अगला दिन हो गया है। एक्चुअली मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, वैसे तो मैं ऐसे ही बनाने जा रही थी, फिर मेरा मन किया कि चलो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, बिकॉज़ बहुत अच्छी वाली, बहुत बढ़िया वाली हेल्दी सी रेसिपी है जिसको आप बना सकते हो। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये वेजीज ली हैं, प्याज लिया था मैंने जिसको एकदम महीन करके चॉप कर लेना है, शिमला मिर्च भी चॉप कर लेना है, और जो गाजर लिया है मैंने ये मीडियम साइज़ का गाजर है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, और जो लौकी लिया था मैंने छोटे साइज़ का हाफ लौकी लिया था उसको भी कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पर लगभग 3/4 कप मैंने बेसन लिया है, इसके अंदर मैं 2-2.5 चम्मच ऐड करूँगी ये सूजी जो है इसको, क्योंकि इससे काफ़ी क्रंची क्रंची सा बनता है। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ओट्स का आटा, जो कि मैं ये घर पे ही बना के रखती हूँ, तो 2 स्पून भर करके मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे सारी सब्ज़ी, तो जितना आटा आप देख रहे हैं ना उससे ज़्यादा सब्ज़ी की क्वांटिटी है इसके अंदर, आटे से मुझे लगता है 1.5 गुना होंगी सब्ज़ियाँ। और उसके बाद हम इसके अंदर सिंपल नमक डालेंगे, आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ बिकॉज़ सिद्धार्थ के मुंह में आ जाए अगर हरी मिर्ची तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी ये खाता है, उसको भी पसंद है, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ बिकॉज़ बच्चे भी इसको इन्जॉय करते हैं। सिद्धार्थ के लिए बस मैं एक चेंज करती हूँ, मैं चीला बना करके ना उसके ऊपर चीज़ डाल देती हूँ 1 स्लाइस, और थोड़ा सा उस पर चिली फ्लेक्स वगैरह डाल देती हूँ, तो वो और इन्जॉय करता है। ऐसे भी वो खा लेता है लेकिन वैसे भी उसको बहुत पसंद आता है, तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं बच्चों को बिगनिंग में देना चाहते हैं तो थोड़ा चीज़ वगैरह के साथ दें, तो फिर वो धीरे धीरे खाने लगेंगे अगर वो नहीं खा रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, देन 3-4 चम्मच आप इसके अंदर दही ऐड कर दीजिए और बस इसको मिला दीजिए, और मिला करके 5 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट दे देना, तो जितना भी मतलब वेजिटेबल्स हैं आपकी वो पानी छोड़ना होगा वो छोड़ देंगी, उसके बाद फिर लास्ट में बनाने से पहले आप इसमें पानी ऐड करना। तो 5 मिनट मैंने रेस्ट दे दिया, उसके बाद मुझे लगा कि ये थिक है तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला, अच्छी तरीके से इसको फेंट लिया। और इसके अंदर हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है, चीला के अंदर ना हरे धनिया का स्वाद बहुत बेस्ट आता है, तो ख़त्म हो गया था हरा धनिया तो मैंने सिद्ध को लेने भेजा है, वही मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर एक शॉप लगती है छोटी, तो जो डेली नेसेसिटी की सब्ज़ी होती है सब कुछ यहाँ मिल जाती है, और अभी अभी सब्ज़ी उतरी थी ट्रक से, लेकिन ये देखो इसको हरा धनिया नहीं मिला क्योंकि शायद वो लाए नहीं भैया, तो जो मुझे ज़रूरत थी वो मिला ही नहीं।
लेकिन आप अगर ये रेसिपी घर पे ट्राई करते हैं ना, तो आप हरा धनिया ज़रूर डालिएगा और बस नॉर्मल जैसे चीला बनते हैं वैसे बना लीजिए, बहुत टेस्टी ये बनके तैयार होते हैं। और इसके अंदर वेजिटेबल्स हैं तो ढकना इसको ज़रूरी है, ढक करके पकाइएगा ताकि अच्छे से ये अंदर से बाहर तक पक जाएँ। एक ही चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो बिना धनिया के बनती है। पहले मैंने कोई और चटनी सोची थी लेकिन धनिया नहीं मिली, तो फिर मैंने ये वाली चटनी प्लान किया कि ये बनाती हूँ। और ये वाली चटनी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है, बिल्कुल न्यू है और बहुत टेस्टी लगता है, चीला उत्पम वगैरह के साथ खाने के लिए परफेक्ट है। तो 1/4 कप मैंने यहाँ पर जो नारियल होता है वो लिया है, सेम 1/4 कप मैंने यहाँ पर चने लिए हैं जो रोस्टेड चना होता है, और सेम 1/4 कप मैंने यहाँ पर भुनी हुई जो मूँगफली होती है वो लिया है। नमक डाल दिया है इसके अंदर, यहाँ पे हरी मिर्ची मैं डालना भूल गई, अदरवाइज़ आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हो। और मैंने इसके अंदर 2 छोटी छोटी लहसुन की कलियाँ भी डाली हैं, तो लहसुन, नमक और जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं वो डाल के मैंने पीस लिया। उसके बाद जब ये अच्छे से पीस गया तो मैंने इसके अंदर 2 से 3 चम्मच भर करके दही डाला है। दही याद रखिए बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं होना चाहिए, और बस उसको पीस लीजिए और ये हमारी चटनी बनके तैयार है। बट ये अधूरी है, इसमें एक तड़का लगना बाकी है। इस वाली चटनी में तड़का ज़रूर लगता है, जो धनिए वाली होती है उसको आप कभी लगाओ तड़का या कभी नहीं लगाओ छोड़ भी दो फिर भी अच्छी लगती है, बट इसमें आपको ज़रूर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, उसके अंदर राई डाली है, हींग डाली है, लाल सूखी मिर्च डाली है, और जो चना दाल होती है, उड़द दाल होती है, वो मैंने थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल डाला है, और कड़ी पत्ता डाला है। चटनी पे भी इसका तड़का दे दिया, और जो बैटर था मैंने सोचा उस पर भी थोड़ा सा, मैं उसके लिए भी तड़का बना लेती हूँ, तो उस पर भी मैंने थोड़ा सा तड़का दे दिया, और ये हमारी चटनी बनके तैयार है। ये दोनों कॉम्बिनेशन आप एक बार बना के देखना अपने ब्रेकफास्ट में, हेल्दी भी बहुत रहेगा और आपको पसंद भी बहुत आएगी, बहुत टेस्टी ये बन के तैयार होता है। ऐसा नहीं है कि हेल्दी है तो टेस्टी नहीं होगा, बहुत अच्छा ये बनता है। तो यही थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपसे 3 रेसिपी शेयर की हैं, तीनों में से अगर कोई भी रेसिपी पसंद आई है तो उसको ट्राई कीजिएगा और थम्स अप ज़रूर दीजिएगा वीडियो को। बाकी ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।